पढ़ाई करने बैठ जाओ। मम्मी मेरे को थोड़ी देर और खेलने दो। टिट्टू बेटा कहाँ ना पढ़ाई करने बैठ जाओ। पापा प्लीज। इतना गुस्सा आता है ना मेरे को मेरे पापा पे, क्योंकि तो उनके नाक में दुंगड़ियां घुसाड़ के ना उनको उल्टा कर दूं। ओए रब्बा मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना मेरे को। मेरा दिल करता है मैं इन राजाओं को कहूं कि हिम्मत है तो बाहर आए और देखें हम बच्चों की लाइफ में कितना टेंशन है। हम कहाँ आ गए संजय? पेरिस। ताजमहल देखिए महाराज। कहाँ है ताजमहल? कहाँ है ताजमहल? कोई नहीं मारेगा महाराज को। अरे लोग हमें मार क्यों रहे हैं संजय? अरे महाराज पेरिस में आकर अगर ताजमहल देखने की जरूरत करोगे तो पीटोगे ही ना। ये तो उसको बुलाओ जिसने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ। अरे बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वैसे भी हमारी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अंकल जी, लेकिन मैंने सुना एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। अंकल जी आप एलियन हो? नहीं बेटा, हम सिविलियन हैं, 5,000 साल पुराने। हाँ। इस युग के दर्शन करने आए हैं। है अंकल, मैं आपका गाइड बन जाता हूँ। गाइड मतलब देवानंद? आप उन्हें जानते हैं? अरे हाँ हाँ जानते हैं, महाराज की जवानी में वो इनके साथ शतरंज खेला करते थे। अंकल हाँ? वैसे ना महाराज को देख के लगता नहीं कि महाराज कभी जवान भी रहे होंगे। कितना बदतमीज बच्चा है ये। महाराज आपको क्या लगता है, दुर्योधन सिर्फ आपने ही पैदा किया था? अंकल ये दुर्योधन क्या होता है? धन का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन। अच्छा अच्छा उदय चोपड़ा। और पुत्र के मुंह में जो पैसे खर्च करते हैं उसे कहते हैं महाराज। एवी यशराज। ओए मैं भूली गया अंकल, आज ना यशराज की सुपर डुपर हिट फिल्म आने वाली है टीवी में। अंकल मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने। महाराज जमाना बदल गया है। तो अपना दूरदृष्टि खोलो। हाँ? और मुझे इस बदले हुए जमाने का कोई नजारा दिखाओ। महाराज पिपाशा का आइटम डांस हो रहा है। अरे संजय, संजय बेटा हमें वाले चलो। महाराज आप वहां जाकर क्या करेंगे, बिपाशा यहाँ आएगी। बुलाओ बिपाशा, आओ। अरे अरे महाराज मुझे तो लगा था कि बिपाशा का डांस देखकर आपकी सिर्फ आंखें खुलेगी, लेकिन आप तो पूरा खुल गए। बकवास बंद करो ना, स्ट्रेचर पे पहुंचा दूंगा, तुम कोई और लड़की देखो। मुझे लगता है यहाँ फैशन शो हो रहा है। बेटा संजय। हाँ? बहुत ही कमजोर कमजोर लड़कियां थी। महाराज ये कमजोर लड़कियां थी, आज साबित हो गया कि आपकी नजरें वाकई कमजोर हो गई हैं महाराज। अरे संजय कमजोरी से ध्यान आया, बहुत भूख लगी है। आपके पास पैसे हैं? थे, डांस पे लुटा दिए। कोई नहीं मारेगा महाराज को। अबे साले सब लोग हाथ से मारे, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया तू? कोई कुल्हाड़ी मत मारना इन्हें। फेंक कुल्हाड़ी। अरे महाराज के पैरों पर नहीं, दूर फेंक। महाराज ये क्या, खाने के पैसे आपने डांस पर उड़ा दिए? क्या समझ कर उड़ाए थे कि जायका इंडिया में जाओगे और मुफ्त का खाना खाकर आ जाओगे? महाराज कितने झूठे, मुझे तो कहा था आप सिविलियन हो।
आज ये बच्चे भी ना, बेटा ये धृतराष्ट्र हैं। अंकल और आप जहाँ खड़े हैं वो महाराष्ट्र है। अच्छा बेटे, पहले तो यहाँ एक भारत राष्ट्र हुआ करता था। अंकल बहुत ज्यादा राज्य हो गए हैं। कितने राज्य? अंकल इस सवाल के चक्कर में ना सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एग्जाम में जो लिख के आते हैं ना, आंसर शीट चेक होने तक बढ़ जाते हैं। राष्ट्र का विभाजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ संजय? महाराज अगर आप देख रहे होते तो विभाजन नहीं होता। और रहने दो अंकल जी, हमारे नेता ना आंखें होते हुए भी विभाजन करने पे तुले हुए हैं। अच्छा मैंने सुना है ये नेता लोग बड़ा घोटाला करते हैं। आजकल घोटाला नहीं करते, हजार हजार के नोटों की माला करते है। अच्छा अरे संजय, हम एक किस भारतवर्ष में आ गए हैं? मुझे लगता है महाराज हमें नहीं, वासुदेव कृष्ण को इस युग में आना चाहिए। अंकल जी एक बात बताऊं। हाँ? मैंने ना वैसे बुक भगवान कृष्ण के लिए खोली थी। अच्छा? पर आप पता नहीं कहाँ से निकल आए। पर ना कृष्ण भगवान भी ना शक्कर चलाने की बजाय चक्कर दे रहे हैं, और इस हालात में यहाँ से आने में ना डर रहे हैं। अच्छा? हाँ अंकल, और इतने दुखों में हम इन विचारों को हंसा रहे हैं। और सुदर्शन चक्र नहीं कृष्ण सुदेश से ना काम चला रहे हैं। भाई हम भी अपनी पुस्तक में वापस जा रहे हैं। क्या आप हमें अपना नंबर सुना रहे हैं? हाँ जी सुना दो। सुना दो जी।